नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। फतेहपुर जिले में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला किशनपुर थाने के किशनपुर कस्बे का है, जहां बीती रात चोरों ने सराफा की दुकान से लाखों के सोने और चांदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान खोलने गया पीड़ित यह सब देखकर अवाक रह गया। उसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि सराफा के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने बारीकी से पड़ताल करते हुए सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जल्द मामले के खुलासे की बात कह रही है। वहीं पीड़ित दुकानदार की माने तो दुकान से करीब 18 किलो चांदी और 200 ग्राम सोने पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बता दें कि चोरी हुई रकम की कीमत लाखों में है। सीसीटीवी में बाकायदा दिख रहा है कि किस तरह से दो शातिर एक एक करके पूरे माल पर हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। बता दें कि सीसीटीवी में दिख रहे चोरों ने कच्चा बनियान पहन रखा है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। चोरी हुई आपके यहाँ? रात को 3 से 4 के बीच की घटना है ये। हाँ। और लगभग 17-18 किलो चांदी का माल हमारा निकल गया, सोना 150-200 ग्राम के करीब सोना था। तो ये आप रात में चले गए थे, यहीं पे रखा था क्या माल? कुछ तो पड़ा ही रह जाता है, बाकी कुछ उठा ले जाते हैं घर। अच्छा, बाकी माल तो निकल ही गया। अच्छा, तकरीबन कितने का गया? लगभग 17 किलो चांदी हुई, 6 लाख कुछ, 7 लाख की चांदी और 5-6 लाख का सोना। ये रात में घटना हुई है किशनपुर में जी। तो ये शटर तोड़ करके चोरी हुई है जी। और जिसमें उनका कहना है कि सोने और चांदी के जेवरात थे वो चोरी चले गए। अच्छा। अभी उनको भी सोने और चांदी कितने गए हैं उनका अभी उनको पता नहीं है, अभी बता रहे हैं, वो उसका अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा, तो क्या सर उसमें सीसीटीवी में भी चोर नजर आ रहे हैं? सीसीटीवी देख चेक किया जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, उसका विश्लेषण किया जा रहा है।